नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। कोरियाई एक्ट्रेस पार्क सुर्यून का 29 साल की उम्र में सीढ़ियों से गिरने की वजह से लगी चोट के कारण निधन हो गया। इस बीच उनके परिवार ने अपनी बेटी का अंगदान करने का निर्णय लिया है। पार्क सुर्यून का निधन अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गया था। एक्ट्रेस ने स्नो ड्रॉप में काम किया है। पार्क सुर्यून का निधन 11 जून को हुआ। वह हाल में ही 29 वर्ष की हुई थी। वह सीढ़ियों से गिर गई थी जिसके कारण उनको गंभीर चोट लग गई। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, इस बीच रास्ते में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। स्थानीय मीडिया ने इस खबर की पुष्टि की और साथ ही ये भी बताया कि उनके परिवार ने अंगदान करने का फैसला लिया है। सुर्यून की माँ ने कहा कि उनका ब्रेन अभी बेहोश है लेकिन उनका दिल अभी भी धड़क रहा है। कोई ऐसा ज़रूरतमंद होगा जिसको इसकी ज़रूरत होगी। बेटी के माता पिता होने के नाते हम ये चाहते हैं कि दिल किसी और को दे दिया जाए ताकि वो हमेशा धड़कता रहे। पार्क सुर्यून ने अपने डेब्यू की शुरुआत 2008 में आई लव तेरोन से की थी। उन्होंने कई म्यूजिकल एल्बम्स में भी काम किया है और अब उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा इस बात से मायूस है। बेहद ही कम उम्र में, बेहद छोटी उम्र में, 29 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि कोरियाई एक्ट्रेसेस का ना केवल कोरिया में बल्कि पूरे दुनिया भर में, भारत में भी उनका काफ़ी नाम है और भारत में भी कई ऐसे फैंस हैं उनके जो इस खबर को सुन करके काफ़ी मायूस हैं।